नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर खबरें हर क्षेत्र की। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए दिखाते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। सपा सुप्रीमो के निर्देश पर समाजवादी पार्टी द्वारा लगातार प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ जनहित के मुद्दों को लेकर आवाज उठाया जा रहा है। इस क्रम में आजमगढ़ जिले के गोपालपुर क्षेत्र से विधायक व पूर्व मंत्री नफीस अहमद के नेतृत्व में आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथ में झंडा बैनर लिखित तख्तियां लिए हुए जमकर प्रदर्शन व नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी सकड़ी अरविंद कुमार सिंह को राज्यपाल के नाम संबोधित प्रदेश में समाज विरोधी किसान विरोधी सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया। विधायक ने कहा कि यह सरकार किसी भी दशा में कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है, जिसकी मुख्य वजह है कि यह सरकार किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, पिछड़ों, दलित विरोधी एवं समाज को तोड़ने का काम कर रही है। ऊपर से महंगाई पर इस सरकार का किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए समाजवादियों द्वारा एक बृहद आंदोलन जल्द छिड़ा जाएगा। यदि सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया तो समाजवादी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन छोड़ेंगे। इस दौरान तहसील पर काफ़ी अफरा तफरी का माहौल रहा, जहां कई थानों की पुलिस फोर्स तहसील परिसर में मौजूद रही। क्या कुछ कहा विधायक नफीस अहमद ने, आपको सुनवाते हैं। धरने का उद्देश्य क्या था? देखिए, जिस तरीके से लगातार प्रदेश के अंदर अराजकता, नौजवानों के खिलाफ ना नौजवानों के साथ ना इंसाफी, किसानों के साथ ना इंसाफी, व्यापारियों के साथ ना इंसाफी, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तहसील और थाना लूटे जा रहे हैं, गरीब जनता को इंसाफ नहीं मिल रहा है। और यहाँ तक जो किसान हमारा अन्नदाता है, जिसकी बदौलत आज हिंदुस्तान खड़ा होता है, आज किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करके उनकी पूरी ताकत जो है उद्योगपतियों को देने का काम किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर आज हम सभी पूरे प्रदेश के अंदर सारी तहसीलों पे समाजवादियों ने महामहिम राज्यपाल से ये मांग की है कि इस सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की सिफारिश करें। और जो कोरोना संकट पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार प्रदेश के अंदर हुआ है, उस भ्रष्टाचार को देखते हुए जो लोग भी इनके सम्मिलित हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आम जनता को इस महामारी के उसमें हमारे बुनकर हैं, हमारे गरीब किसान हैं, मजदूर हैं, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इसी सारी चीज़ों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर सगड़ी विधानसभा, गोपालपुर विधानसभा के तमाम हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता साथी इकट्ठा होकर महामहिम राज्यपाल जी को अपना ज्ञापन देने का काम किए हैं। और इस उम्मीद के साथ कि हमारा ज्ञापन उन तक पहुंचेगा और महामहिम राज्यपाल इन सारी बातों को संज्ञान में लेकर केंद्र सरकार से सिफारिश करेंगी कि ये भ्रष्टाचारी, ये नौजवान विरोधी, कर्मचारी विरोधी, किसान विरोधी सरकार को बर्खास्त किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो पार्टी क्या करेगी? समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक नौजवानों, किसानों, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, उनको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। चाहे हमारे ऊपर जितने भी मुकदमे लगा दिए जाएं, समाजवादी पार्टी के लोग डरने वाले नहीं हैं। इनकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी, इनकी लाठियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के हौसला कभी पस्त नहीं होने वाला। हम इस सरकार की जन विरोधी और नौजवान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे।